मैरी क्रिसमस मूवी रिलीज हो चुकी है, जो कि एक माइंड बेंडिंग मिस्ट्री फिल्म है जिसमें आखिरी में एक ऐसा बड़ा रिवील होता है जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और पहला सवाल तो यही आता है कि एनी, जो कि कैटरीना कैफ की बेटी होती है जिसके बोलने की वजह से एल्बर्ट फंस जाता है, तो क्या वो पूरी फिल्म में गूंगी होने का नाटक कर रही थी, और क्या ये कैटरीना और उसकी बेटी की चाल थी जिससे कि वो एल्बर्ट को फंसा सके। और दूसरा ये कि ये जो संजय कपूर यानी कि रॉनी का वैलेट होता है, उसे एल्बर्ट और मारिया ने मिलकर जलाया क्यों नहीं, क्योंकि जला देते तो फिर ये सबूत मिट जाता और फिर शायद एल्बर्ट फंसता नहीं। और आखिरी में एल्बर्ट ने मारिया को ये रिंग पहनाई क्यों, क्या वो सच में उससे इतना ज्यादा प्यार करने लगा था सिर्फ एक ही रात में, या फिर ये उसकी कोई चाल थी मारिया को फंसाने के लिए, जो कि शायद हमें अगले पार्ट में देखने को मिले। इन सभी चीजों का मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा और इस मूवी की एंडिंग को भी समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये तो हमें डायरेक्टली पता चल ही जाता है कि कैटरीना कैफ यानी कि मारिया ने उसके पति जेरोम को ड्रग्स देके और गोली चला के मार दिया था, जिसके बाद उसने विजय सेतुपति यानी कि एल्बर्ट के साथ मिलकर उस डुप्लीकेट रूम को जला दिया था जिससे कि पुलिस को कोई भी सबूत ना मिले। और रॉनी यानी कि संजय कपूर ने कैटरीना कैफ के साथ मिलकर ये डिसाइड किया था कि वो एल्बर्ट को इस पूरे माजरे से दूर रखेंगे, क्योंकि रॉनी जेन्युइनली एक अच्छा बंदा है और वो चाहता नहीं था कि एल्बर्ट, जो कि यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए आया है दुबई से, वो इन सब पुलिस के चक्कर में ना पड़े। ऑल्दो एल्बर्ट ने रॉनी से झूठ बोला था कि वो दुबई से आया है 7 साल बाद, क्योंकि एक्चुअल में तो वो उसकी 7 साल की जेल की सजा काट के आ रहा होता है जो कि उसने नासिक में बिताई थी। और वो जेल इसलिए गया था क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड रोजी को मार दिया था, जो कि उससे शादी करने के लिए मना कर देती है। फिर जब अगले दिन पुलिस रॉनी को पुलिस स्टेशन में बुलाती है पूछताछ करने के लिए और उसका स्टेटमेंट लेने के लिए, तब पुलिस ऑफिसर उसे थोड़े बहुत डंडे मार के ये चीज निकलवा ही लेती है कि उस रात उनके साथ एक और बंदा था जिसका नाम एल्बर्ट होता है। फिर पुलिस एल्बर्ट को पुलिस स्टेशन में बुलाती है उसका स्टेटमेंट लेने के लिए, और पहले तो उसे भारी एक कुर्सी पर बिठाया जाता है और उसके बाद स्टेटमेंट लेने के लिए अंदर वाले एक रूम में ले आया जाता है। और एल्बर्ट फिर पुलिस को उतना ही बताता है कि उसने रॉनी की मदद की थी बेहोश मारिया को चर्च से उसके घर तक ले जाने के लिए, जिसके बाद मारिया उसके घर पर पहुंच के कहती है कि शायद उसकी रिस्ट वॉच चर्च में ही गिर गई है। और फिर जब वो तीनों चर्च की ओर वापस जाते हैं उसकी घड़ी ढूंढने के लिए, तो रॉनी और मारिया एल्बर्ट को बीच में ही उतार देते हैं। एल्बर्ट का ये स्टेटमेंट लेने के बाद वो फिर रॉनी का भी स्टेटमेंट लेते हैं, जो कि एकदम सिमिलर होता है, लेकिन उसके बाद वो मारिया और उसकी बेटी को भी स्टेटमेंट लेने के लिए पुलिस स्टेशन में ही बुला लेते हैं। मगर मारिया को तो पता नहीं था कि एल्बर्ट भी वहाँ पर पुलिस स्टेशन में आया हुआ है, क्योंकि वो तो अंदर वाले कमरे में था। और जैसा रॉनी और मारिया ने डिसाइड किया था कि वो एल्बर्ट की बात नहीं करेंगे इस पूरे लफड़े में, तो मारिया कहीं भी एल्बर्ट का नाम लेती नहीं है उसका स्टेटमेंट देते वक्त। और अब क्योंकि मारिया का स्टेटमेंट रॉनी और एल्बर्ट के स्टेटमेंट से अलग होता तो मारिया फंस जाती, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है। मारिया उस टेबल पर रखी हुई एक चीज देखती है जो कि एक पेपर सॉन होता है, और इस चीज से मारिया बहुत सारी चीजें समझ जाती है। अब ये जो पेपर सॉन वाली चीज है, ये इस चीज का रेफरेंस है कि जब पहली बार मारिया और एल्बर्ट मिले थे तब उन्होंने ऐसे ही पेपर सॉन्स बनाए थे और विशेस मांगी थी, इसलिए जब मारिया ने वहाँ पर उस टेबल पर रखा हुआ ये पेपर सॉन देखा तो वो समझ गई कि शायद एल्बर्ट भी यहाँ पर आया हुआ है। और तभी वो नाटक करना शुरू कर देती है और कहती है कि हाँ, एल्बर्ट या गिलबर्ट नाम का एक बंदा भी था उस रात उनके साथ में, जिसे उन्होंने वापस चर्च जाते हुए रास्ते में छोड़ दिया था। और अब क्योंकि मारिया, रॉनी और एल्बर्ट तीनों का स्टेटमेंट सेम हो जाता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो तीनों को छोड़ देंगे, लेकिन जाते समय पुलिस एल्बर्ट से कहती है कि वो उसका एक आईडी प्रूफ यहाँ पर जमा कर दे। और जैसे ही एल्बर्ट उसके पीछे वाली पॉकेट में से अपना वैलेट निकालता है तो वो देखता है ये उसका वैलेट नहीं है, क्योंकि वो वैलेट रॉनी का होता है जो कि उसने पिछली रात को उसकी जेब में रख लिया था चर्च के लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में डालने के लिए। वो वैलेट देख के एल्बर्ट थोड़ा सा घबरा जाता है और उस वैलेट को थोड़ा सा साइड में कर लेता है और पुलिस से कहता है कि वो उसकी आईडी लाना भूल गया है। तो पुलिस वाला उससे कहता है कि ठीक है, तुम अपनी आईडी बाद में ले आना और यहाँ पर आके जमा कर देना। अब यहाँ तक तो एल्बर्ट जैसे तैसे बच गया था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मारिया उसकी बेटी के साथ आई थी पुलिस स्टेशन में, तो इस पूरे समय तक वो वहाँ पर बैठकर इस टॉय के साथ खेल रही होती है, जो कि एल्बर्ट ने मारिया के घर में रखे हुए क्रिसमस ट्री पर टांगा था जब वो उसके घर पर पहली बार गया था। और जब एल्बर्ट मारिया के घर दूसरी बार जाता है, जहाँ पर वो एनी को कहानी सुनाता है, तो वो खुद को एज सेंटा रेफर करता है, यानी कि वो बच्ची एनी ये समझने लगी कि एल्बर्ट सेंटा है। और जब वो सारे लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जा रहे होते हैं तो एनी वो टॉय वहीं पर भूल जाती है, और तभी वो पुलिस ऑफिसर एनी को बुलाता है और एनी से कहता है कि एनी शायद तुम कुछ भूल रही हो। एनी समझ जाती है कि वो उसका टॉय भूल रही है और वहाँ पर उसको देखने के लिए जाती है, लेकिन वो वहाँ पर होता नहीं है। और फिर वो पुलिस ऑफिसर ऐसे ही बच्ची को खिलाने के लिए गिली गिली छू करके वो टॉय उसको देता है, और वो उससे ऐसे ही पूछ लेता है कि ये टॉय क्या तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने दिया है। तभी एनी कहती है कि नहीं, और वो अपना पहला शब्द बोलती है एल्बर्ट की ओर इशारा करके कि सेंटा ने दिया है। बस यहीं पर एल्बर्ट को समझ आ जाता है कि अब गेम ओवर होने वाला है, क्योंकि अब पुलिस पता लगाएगी कि एल्बर्ट कब मारिया के घर पर गया, एनी से मिला, उसे कहानी सुनाई और उसे गिफ्ट भी दिया, और अब पुलिस का सारा शक मारिया और एल्बर्ट पर जाएगा। लेकिन तभी एल्बर्ट मारिया को बचाने के लिए रॉनी का वैलेट बाहर निकालता है और वो सबको पुलिस के सामने दिखा देता है, और वो पुलिस को इस तरह से दिखाता है कि रॉनी का वैलेट एल्बर्ट ने चुराया था। उसने ऐसा इसलिए किया जिससे कि वो सारा का सारा इल्जाम खुद के सर पर ले ले और मारिया को बचा ले, क्योंकि एलिजेडली वो मारिया से एक ही रात में इतना ज्यादा प्यार करने लगा था, आदमी की बेवकूफी तो देखो। फिर वो इस बात को और ज्यादा कन्फर्म करने के लिए और मारिया को बचाने के लिए एक रिंग निकालता है और मारिया को पहना देता है, जिससे कि वो पुलिस वालों को ये कन्वे कर दे कि वो मारिया से प्यार करने लगा है और इसलिए उसने मारिया के हस्बैंड जेरोम को मार दिया था। फिर वो सरेंडर कर देता है और अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ
बैठ जाता है और कैटरीना ये सब होते बस देखती रहती है। लड़की का चक्कर बाबू भैया। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो यार, इस मूवी का कोई अगला पार्ट अनाउंस तो नहीं किया है, लेकिन जहाँ पर ये स्टोरी एंड हुई है वहाँ पर ये स्टोरी थोड़ी सी इनकम्प्लीट महसूस होती है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि अभी शायद और कुछ भी होगा, लेकिन फिर क्रेडिट्स आना शुरू हो जाते हैं। खैर, तुम मुझे बताना तुम्हें ये मूवी कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, अच्छी खासी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तब तक के लिए ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने हनुमान मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है, और देखते रहिए सुपर नेस्ट।